सब्जेक्ट साइंस है, चैप्टर 7 है कंजर्वेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ब्लैंक इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल इन इंटरब्रीडिंग। तो आंसर आएगा स्पेसीज। स्पेसीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल इन इंटरब्रीडिंग। नेक्स्ट नंबर 2, लेस नंबर ऑफ ट्रीज मीन्स रिडक्शन इन द यूज ऑफ। तो नंबर आंसर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। लेस नंबर ऑफ ट्रीज मीन्स रिडक्शन इन द यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट नंबर 3, डिक्रीज इन ब्लैंक कॉन्टेंट इन द सॉइल लीड्स टू डिक्रीज इट्स फर्टिलिटी। तो डिक्रीज इन ब्लैंक कॉन्टेंट इन द सॉइल लीड्स टू डिक्रीज इट्स फर्टिलिटी। तो क्या आंसर आएगा 3 में आएगा ह्यूमस। डिक्रीज इन ह्यूमस कॉन्टेंट इन द सॉइल लीड्स टू डिक्रीज इट्स फर्टिलिटी। नेक्स्ट नंबर 4, एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू दैम एंड देयर हैबिटेट इज कॉल्ड अ सेंचुरी। तो ब्लैंक में लिखना है सेंचुरी। एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू दैम एंड देयर हैबिटेट इज कॉल्ड अ सेंचुरी। नेक्स्ट नंबर 5, ब्लैंक मीन्स द वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रोनिज्म सीन इन एनी रीजन। तो क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रोनिज्म सीन इन एनी रीजन। नेक्स्ट नंबर 6, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द ब्लैंक रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। तो क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। नेक्स्ट 7 नंबर, दोज एनिमल्स विच माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नोन एज ब्लैंक एनिमल्स। तो क्या आएगा? एंडेंजर्ड। दोज एनिमल्स विच माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नोन एज एंडेंजर्ड एनिमल्स। नेक्स्ट नंबर 8, ब्लैंक इज मेड ऑफ ऑल बायोटिक एंड एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट। तो आंसर आएगा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज मेड ऑफ ऑल बायोटिक एंड एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट। नंबर 9, द पेपर कैन बी रिसाइकल ब्लैंक टाइप्स फॉर यूज। तो आंसर आएगा द पेपर कैन बी रिसाइकल 5 to 7 टाइम्स यू फॉर यूज। मीन्स पेपर साइकिल होता है, उसको कैसे 5 to 9 10 बार यूज़ करते हैं उसको। नंबर 10, इज रेस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड ट्रीज इन फॉरेस्ट। तो रिफॉरेस्टेशन इज रेस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड ट्रीज इन फॉरेस्ट। नेक्स्ट नंबर 10, रेड डेटा बुक कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ब्लैंक स्पेसीज। तो आंसर आएगा एंडेंजर्ड। रेड डेटा बुक कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड स्पेसीज। नंबर 12, द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब्स द ब्लैंक एंड मे रिड्यूस रेनफॉल। तो आंसर आएगा वाटर साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ट्रू फॉल्स हैं। नंबर वन, नेचुरल कोजे डिफॉरेस्टेशन आर हैवी रेन एंड सीवियर ड्रॉट्स। तो आंसर आएगा फॉल्स। नंबर 2, नेचुरल बैलेंस इज डिस्टर्ब ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। आंसर आएगा 2। नेक्स्ट नंबर 3, फीवर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन एंड लेजर फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो आंसर आएगा 2। नेक्स्ट नंबर 4 है, इन पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व एंट्री ऑफ इंडियन एंड स्क्यूरल में एंडेंजर फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फ्लाइंग स्क्यूरल। तो आंसर आएगा फॉल्स। नंबर 5, मेंबर्स ऑफ अ स्पेसीज हैव कॉमन कैरेक्टर्स एंड कैपेबल टू रिप्रोड्यूस फर्टिलाइज ऑफ स्प्रिंग्स। तो आंसर आएगा ट्रू। नेक्स्ट, सातपुरा नेशनल पार्क इज द 3rd प्रोजेक्टेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। तो आंसर आएगा फॉल्स। नेक्स्ट नंबर 7, सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स हैज बिकम डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन देयर नेचुरल हैबिटेट। तो आंसर आएगा ट्रू। नेक्स्ट नंबर 8 है,
Small size animals also form part of food chains and food webs. So answer आएगा आपका true. Next number 9, to make one ton of paper 5 to 7 fully grown trees are cut. तो answer आएगा false. Next number 10 है the Forest Conservation Act is to limited cutting of trees in natural forest in India. तो answer आएगा false. ये क्या हो गए आपके टू फॉल्स. अभी जो आपके रॉन्ग हैं वो उसका सही आंसर क्या आएगा. नंबर वन जो है, नंबर वन क्या है आपका, नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन हैवी रेन एंड सीवियर ड्रॉट्स. तो उसका सही सेंटेंस बनेगा नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर्स एंड सीवियर ड्रॉट्स. नेक्स्ट नंबर 4 जो है, इन पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व एंट्री ऑफ इंडियन गैंट स्क्यूरल में एंडेंजर फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फ्लाइंग स्क्यूरल. तो 4 नंबर का सेंटेंस बनेगा, इन पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व टू इंडियन गैंट स्क्यूरल एंड फ्लाइंग स्क्यूरल आर एंडेमिक फौना. नेक्स्ट 6 नंबर का था जो रॉन्ग सेंटेंस, उसका सही सेंटेंस बनेगा जो रॉन्ग था, सातपुरा नेशनल पार्क इज द 3rd प्रोजेक्टेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. तो इसका आंसर बनेगा, सातपुरा नेशनल पार्क इज द 1st प्रोजेक्टेड फर्स्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, प्रोटेक्टेड है सॉरी. नेक्स्ट फिर 9 नंबर, टू मेक आई वन टर्न ऑफ पेपर 5 to 7 फुली ग्रोन ट्रीज आर कट. तो इसका सेंटेंस बनेगा, टू मेक वन टर्न ऑफ पेपर 17 फुली ग्रोन ट्रीज आर कट. नेक्स्ट नंबर 10, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इज टू लिमिटेड कटिंग ऑफ ट्रीज इन नेचुरल फॉरेस्ट इन इंडिया. तो आंसर आएगा, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इज फॉर द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट इन इंडिया. तो आंसर आपका ये कंप्लीट ट्रू फॉल्स कंप्लीट. अभी नेक्स्ट है, गिव ओनली आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नंबर 1, व्हाट इज द मेजर थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ वाइल्ड ऑर्गेनिज्म. तो आंसर आएगा, डिफॉरेस्टेशन. नंबर 2, व्हिच प्रोसेस प्रोड्यूसेस द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर. तो आंसर आएगा, फोटोसिंथेसिस. नंबर 3, व्होस फिजिकल प्रॉपर्टीज गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड रेजिन. तो आंसर आएगा, सॉइल. नेक्स्ट नंबर 4, प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन विच प्लेस आर सिमिलर टू दोज ऑफ अपर हिमालया पिक्स एंड टू दोज ऑफ बिलोंगिंग टू द लोअर वेस्टर्न घाट्स. तो आंसर आएगा आपका, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. नेक्स्ट 5 नंबर, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इज आइडेंटिफाई ऑफ विच स्टेट. तो आंसर आएगा, मध्य प्रदेश. नेक्स्ट नंबर 6 है, इन विच फॉरेस्ट हायर कैटेगरीज ऑफ टीक ट्रीज आर सीन. तो आंसर आएगा, सातपुरा. नेक्स्ट, व्हाट आर द बर्ड्स हु फ्लाई टू फार अवे एरियाज बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस कोल्ड. तो आंसर आएगा, माइग्रेटरी बर्ड. नेक्स्ट 8 नंबर है, व्हाट इज एन एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज कोल्ड. तो आंसर आएगा, नेशनल पार्क. नेक्स्ट नंबर 9 है, व्हाट इज डिफॉरेस्टेड एरिया लेफ्ट अनडिस्टर्ब एंड अलाउ इट टू रीएस्टेब्लिश बाय इटसेल्फ कोल्ड. तो आंसर आएगा, नेचुरल रिफॉरेस्टेशन. नेक्स्ट नंबर 10 और लास्ट है, व्हाट आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर अलॉन्ग विथ वुड एंड केमिकल्स. तो आंसर आएगा, वाटर एंड एनर्जी. ये आपका क्या हो गया, आंसर इन वन वर्ड हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया. ये अभी आपको नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस वो नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी. ये आपका अभी इनकम्प्लीट है चैप्टर, अभी जो इनकम्प्लीट वर्क है वो मैं नेक्स्ट वीडियो कराऊंगी. थैंक यू. ये आपको क्लास की बुक में और होमवर्क की बुक में लिखना है, लर्न करना है. थैंक यू.